नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल, सिविल, कोई किसी तरह का मामला हो गया है और आप परेशान हैं। आपने कभी लीगल के झंझट में पड़े नहीं, कोई मुकदमा झेला नहीं, आपके परिवार में कोई जानता नहीं है। अब क्या करेंगे, आप किसके पास जाएंगे? तो आप दौड़ के लॉयर के पास जाते हैं, लेकिन लॉयर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा लॉयर अच्छा होगा, कौन से लॉयर के पास जाना चाहिए, ये सब तमाम तरह के प्रश्न आते हैं जिनका जवाब जानने के लिए आज हम केसी कौशिक साहब के पास आ गए। केसी कौशिक साहब का मैं आपको परिचय दे देता हूँ। केसी कौशिक साहब पिछले 4 दशक से बड़ी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह चुके और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे, यानी कि एक बड़ा लंबा अनुभव है। कौशिक साहब, सबसे पहले बताइए मुझे कि एक आदमी है जो परेशान है, अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वकील कैसे तय करे, ना सरल शब्दों में अगर आप लोगों की मदद कर सकें और बता सकें कि आखिर वो वकीलों को पहचानने का तरीका क्या है, वो क्या अर्हता है, वो क्या कसौटी है जो एक आम आदमी आपकी बात समझ के अपने किसी केस में वकील को एंगेज करे। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं पब्लिक एडवाइस को बताना चाहूंगा कि समाज में कूतियां बहुत हैं। हमको ब्रोकर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमको यदि हमारा सिविल का मुकदमा है तो हमको न्यायालय में जाके सिविल के जो अच्छे लॉयर्स हैं उनको देखना चाहिए। यदि हमारा क्रिमिनल मुकदमा है तो उनको क्रिमिनल के व्यक्ति के पास जाना चाहिए। यदि हमारा रेवेन्यू का मुकदमा है तो उनको रेवेन्यू के वकील के पास जाना चाहिए। लेकिन ये हमको ध्यान जरूर रखना चाहिए, जब भी हम अपना केस किसी वकील से डिस्कस करें तो हमको ये असेस करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई सामने वाला जो वकील है, जो आपकी समस्या है, उस समस्या का सही आपको आपको उपाय बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा। मतलब ये उसी तरह है, साधारण तौर पर जब आप डॉक्टर से मिलने जाते हो तो आप 4 लोगों से पूछ लेते हो कि साहब ये डॉक्टर अच्छा है कि नहीं है, या उसके उसके पहले उसने कितने मरीजों को लाभ पहुंचाया है, तो इस तरह की आप सूचना की बात कर रहे हैं। ये मैं आपने जो प्रश्न किया है बिल्कुल सही प्रश्न किया है। मैं आपको एक व्यक्तिगत एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरी जानकारी में है और जो भी क्या नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कनेक्टेड है, करीब करीब सबकी जानकारी में। वहां पर होता क्या है कि रक्षा वाले भी वकील बताते हैं। आप स्टेशन पर उतरे और आपने पूछा हमको फलाने वकील साहब के पास जाना है, तो वो उन वकील साहब को मार ही देते हैं। अरे वो तो आपको पता नहीं, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब वो किसी ब्रोकर के पास चले जाते हैं और ब्रोकर कोई क्लर्क भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो आप इन ये जो फ्रॉड गिरे इनसे आपको बचना चाहिए। आपकी जो समस्या है आपको संयम से काम करना चाहिए। मेरा आपको ये सुझाव है पब्लिक को कि चाहे आपका जिला अदालत हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे आपका सर्वोच्च न्यायालय हो, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, हम YouTube पे भी देख सकते हैं, हम वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। और हम जैसे विप्लव अवस्थी साहब ने ये अपना ये प्रोग्राम चालू किया है, इनकी सेवाएं ले सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं सराहनीय है। ये पब्लिक एट लार्ज को इस काम की जरूरत है कि जो व्यक्ति को यदि उनकी जानकारी नहीं है, तो ये जो विप्लव अवस्थी साहब ने जो अपना प्रोग्राम चालू किया है, ऐसे चैनल के थ्रू आप वकील करेंगे तो आप फ्रॉड से बच जाएंगे। आपको डायरेक्ट जाने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, आपका मुकदमा सिविल का है, वकील साहब करते हैं फौजदारी की वकालत, या वकील साहब करते हैं रेवेन्यू की वकालत, वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप गए, आप वो लिखा है नेम प्लेट पे BA LLB LLM, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो सिविल का है क्रिमिनल का है? तो क्या हुआ, वकील पहुंच गया, मौकिल पहुंच गया, अब वकील साहब ने कहा हाँ हाँ दे दो केस, अब वो बेचारा ले आया केस। डॉक्टर्स के मामले में हमें हड्डी का डॉक्टर पता होता है, हार्ट का डॉक्टर पता होता है, पेट का डॉक्टर पता होता है, जैसे गैस्ट्रो हो, इंडोक्राइन, लेकिन वकालत की प्रोफेशन में इस तरह का डिवीज़न तो है नहीं, तो इसीलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो आपके आपके मुताबिक उसको क्या करना चाहिए फर्स्ट स्टेप? देखिए, मेरा जो मानना है वो ये मानना है, जैसे विप्लव अवस्थी ने अपनी वेबसाइट चलाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। आप जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे को आपको भी ये सुझाव है कि आप एक डेटा बैंक बनाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए डेटा बैंक अलग बनाइए, हाई कोर्ट के अलग बनाइए, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग बनाइए, और उस डेटा बैंक के बेसिस पे जो बेचारे
अपने जिनको वकील की आवश्यकता है वो आपको अप्रोच करें और आप उनको सूटेबल वकील दें जी। जब तक जब हम इस तरह की समाज में चीजें लाएंगे तो जो फ्रॉड गिरी है उससे हम बच जाएंगे। और ऐसे चैनल के थ्रू हमको चलना चाहिए जिससे हम फ्रॉड गिरी से बचें, हमको सही वकील मिल जाए, चाहे वो सिविल का हो, चाहे फौजदारी का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो। और मेरा आपसे एक सुझाव और भी है, आप काफी लोग ये पीड़ित रहते हैं कि साहब ये जो कानून है ये गलत है। जब वो कानून गलत है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी चली होती है, उसके वकील आपको अलग रखने चाहिए। फिर एक तीसरा आता है, एक प्रॉब्लम और आ रही है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी में बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, आईटीसी गलत ले ली, फलाना ले लिया, उसमें हमारे साथी कुछ सीएस भी इन्वॉल्व है। लकीली अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया जिसमें वकील भी इन्वॉल्व हो, लेकिन सीएस जो इन्वॉल्व है, जो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, वो काफी सुनने में आ रहे हैं। इसलिए आप डेटा बैंक बड़ा बनाइए और डेटा बैंक को आप पब्लिशाइज करिए, जिससे ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको ये ज्ञान नहीं है कि हमको किस तरह का वकील करना चाहिए, तो आपको डेटा बैंक के बेसिस पे आप उनको वकील मुहैया कराइए। ये समाज के लिए बड़ा हितकर होगा। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरा मानना है कि जो जस्टिस डिलीवर सिस्टम है वो इतना धूमलित हो रहा है, लोगों को जस्टिस डिलीवर सिस्टम से आस्था खत्म होती जा रही है। यदि आप आगे लीड लेके इस तरह के काम करेंगे तो ये समाज के लिए आप अच्छा कार्य कर रहे होंगे। और उनको मान लीजिए आपको नॉमिनल कोई आप फीस भी लेते हैं, उनसे रिटेनरशिप भी लेते हैं, किसी तरह के लेते हैं, तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति विशेष को ये फायदा है कि उनके साथ फ्रॉडगिरी नहीं होगा, उनको अच्छे वकील मिलेंगे और आप भी अच्छा डेटा बैंक बनाएंगे। सर ये एक भ्रांति है कि निचली अदालत में तो आप जैसे तैसे कैसे भी वकील कर ले, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील कर ले, तो क्या आप इस राय से आप तवज्जो देते हैं, इस राय को कितना जस्टिफाई मानते? देखिए मैं इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए नहीं करता जी। निचली यदि आपके मकान की नींव ही गड़बड़ है तो आपका मकान कब तक ठीक रहेगा ये सोचने वाली बात है। निचली अदालत में जो एविडेंस है, आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या आपकी वो आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या आपकी ओरल एविडेंस है, यदि उसमें ही खामियां रह गई और निर्णय हो सकता है निर्णय आपके फेवर में आ जाए, और निर्णय फेवर में आने के बाद भी जब उसकी अपील फाइल होगी तो वहां पे आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो भी ये भी आपको सलाह देते हैं करते हैं बिल्कुल उस सलाह को नहीं मानना चाहिए। आप निचली अदालत में भी अच्छा वकील करें जिसको एविडेंस का आइडिया हो, जिसको डॉक्यूमेंट की पहचान को हमको किस तरह का डॉक्यूमेंट्स लगाना है, हमको ओरल एविडेंस कैसे बनानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि आप यदि क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं और आप क्रॉस एग्जामिनेशन का आपको तजुर्बा नहीं है तो आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे और वो बाद में बड़ी अदालत में उस पे मार खानी पड़ेगी। और आपको अभी छावला वाला केस याद लीजिए कि इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब निचली अदालत ने मृत्यु दंड दे दिया, उसको हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया, अब फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा। मैंने पहले चैनल पे भी कहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन की कमियों की वजह से लोग छूटते हैं और ये क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का सिद्धांत है कि 10 क्रिमिनल छूट जाए लेकिन एक व्यक्ति जो निर्दोष है उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तो ये छावला वाला केस है, वही अपने में एक एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड ओपिनियन को लेकर आप किसी भी मुकदमे में कौशिक साहब क्या विचार रखते हैं कि क्या एक वकील आपने कर भी लिया फिर भी उस केस के साल दो साल ढाई साल के बाद या शुरुआत में सेकंड ओपिनियन को कितना बेहतर मानते हैं? सेकंड ओपिनियन किसी वरिष्ठ वकील से लिया जा सकता है, स्पेशलाइज्ड वकील से लिया जा सकता है, उसको लेकर आप कितना सहमत हैं? देखिए आपका यदि स्पेशलाइज्ड मुकदमा है, आपका हो सकता है कि आपका जीएसटी का मामला हो, आपका इनकम टैक्स का मामला हो, तो वहां आपको स्पेशलाइज्ड वकील की जरूरत है। अब मान लीजिए रेवेन्यू का केस है, आपका रेवेन्यू का जो है ना प्रॉपर्टी का झगड़ा है, तो आपको रेवेन्यू का जो एक्सपर्ट है सेकंड ओपिनियन में आपको कभी कभी कुटाई नहीं। यदि आपकी कंप्लेंट एक बार दाखिल हो गई है
और कंप्लेन आपने दाखिल कर दी वो गलत दाखिल हो गई है, तो उस कंप्लेन के बेसिस पे या एफआईआर के बेसिस पे आके प्रोसीड होगा। देखिए, जब आप कंप्लेन फाइल करते हैं या आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, यदि आपकी एफआईआर डिफेक्टिव है या कंप्लेन डिफेक्टिव है, तो आपका ट्रायल में आपको दिक्कत आएगी। एक्यूज छूट जाते हैं उसी बेसिस पे। जब एक्यूज छूट जाते हैं तो आप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को गाली देते हैं, उनको एक्यूज करते हैं। आप ये कभी नहीं देखते हैं कि साहब हमारी कमियां क्या हैं, हम अपनी कमियों को ठीक कर सकते हैं कि यदि हमारी किसी वजह से हमारी कंप्लेन डिफेक्टिव है या हमारा नोटिस डिफेक्टिव है या हमारी एफआईआर डिफेक्टिव है, तो हमको एक्सपर्ट के जाना चाहिए और एक्सपर्ट की सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए। और मेरा बिल्कुल अवस्थी जी आपको एक आग्रह है, क्योंकि आपका भी पत्रकारिता का इतना अनुभव है और वकीलों से आप इतने समय से एसोसिएटेड हैं, तो आप इसको लार्ज स्केल पर चलाइए और कम सस्ता एंड टिकाऊ न्याय दिलाने की कोशिश करिए। डेटा बैंक बनाइए और उस डेटा बैंक में आप हर तरह के एक्सपर्ट लोग रखिए, जिससे हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी को पब्लिक के लिए भी है, हमको जस्टिस डिलीवरी के प्रति भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तो उस डेटा बैंक से लोगों को आप मुहैया अच्छे वकील मुहैया कराइए, जिससे समाज की तरक्की हो सके, फायदा हो। निश्चित रूप से, और यही शायद मकसद लेके लगातार लीगल रिपोर्टर और justnyay.com लगातार चल रहा है। देखिए, साफ तौर पर निचली आपने वकील चुनते हुए गलती की, इसके बाद आप दोष मत दीजिए कि आपका पूरा केस अदालत ने उखाड़ दिया, क्योंकि उसने आपके केस को मजबूत बनाया है। इसीलिए कौशिक साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने अनुभवहीन वकील कर भी लिया भाई दिव्य किसी तरह, तो आपको सेकंड ओपिनियन बहुत जरूरी है किसी भी एक्सपर्ट वकील से, अनुभवी वकील से, जिसने लंबे समय तक क्रिमिनल या सिविल या रेवेन्यू किसी तरह जो आपका मुकदमा है अगर उसने काम किया, तो सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।